सत्य गुरु जय बोले, सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय बोले, जय गुरुदेव, सत गुरु जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। नामी नय नन में बसी जाओ, मंदिर में जगे तुम्हारी, मन मंदिर में जगे तुम्हारी, तरस परस को दिखलाओ, तरस परस को दिखलाओ। नामी मन मंदिर बसी जाओ, नाम की महिमा कोई गाए, पावन परम जो सुख को पावे, पावन परम जो सुख को पावे, मन चित भर के महिमा सब गाओ, सतगुरु की महिमा सब गाओ। नाम भजन सब दन मन चाबी, नाम भजन सब दन मन चाबी, दया में है बरसाओ, नैनन बसी जाओ, सतगुरु मेरे नैनन बस जाओ। नाम रतन धन तुमने दीना, नाम रतन धन तुमने दीना, दया कृपा को बरसाओ, सतगुरु मेरे नैनन बसी जाओ, सतगुरु मेरे नैनन बस जाओ। सतगुरु प्यारे परम स्वामी, सतगुरु प्यारे परम स्वामी, अंतरयामी नामी स्वामी, बसो मेरे रघुराई, नैनन बसो मेरे रघुराई, दया कृपा की मेहर बन आई, दया कृपा की मेहर बन आई, दया कृपा को बरसाओ, नैनन मेरे सतगुरु बसी जाओ।
जब तुम में लगन लग जाएगी कि तुम्हारे नैनों में तुम्हारे सदगुरु बस गए, तो क्या बस गई? उनकी सूरत, उनकी मूरत चौबीसों घंटे बस गई, तो चौबीसों घंटे अनावर्त उनकी याद आती रहेगी, और वही चेहरा वही चित्त अंदर में बनता रहेगा, दिखाई सुनाई पड़ता रहेगा, अनुभव अनुभूति होती रहेगी प्रेमियों, और सब दया मेहर बरसती रहेगी। यहाँ पर आए हो, सुमिरन ध्यान भजन करो, और जो अनुभव अनुभूति हो तो जरा रिकॉर्ड भी करवा दिया करो कि मुझको ये चीज दिखाई पड़े, मुझको ये सुनाई पड़ा, थोड़ा कान में उंगली ऐसे लगा लिया करो, हमारी वाली नहीं अपनी वाली, कान में उंगली लगा लिया करो। जब कान बंद हो जाए तो दाहिने कान पे सुनने की कोशिश किया करो, और जब सतगुरु की महिमा हो जाए तो उसको थोड़ा भकान कर दिया करो, गुणगान कर दिया करो, महिमा नाम की तुम भी गाओ, महिमा नाम की तुम भी गाओ, मीरा जस तो परम फल पाओ, मीरा जस तो परम फल पाओ, तुम भी महिमा नाम की गाओ, और जब नाम की गाओगे और फिर लगन लगाओगे तो मीराबाई की तरह तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, और तुम्हें भी कुछ मिलेगा, नहीं तो इसी तरह रह जाओगे। इसी कलयुग में सबको मिला है, तुमको भी मिलेगा। मिले नाम की जबाई पेटारी, मिले नाम की जबाई पेटारी, सतगुरु चरणन कर तैयारी, सतगुरु चरणन कर तैयारी। जब नाम की पेटारी, नाम का दान, नाम की दया मिल गई तो सतगुरु के चरणों में जाने का मन करता है, सतगुरु के चरणों में जाने का मन करता है, अपने सतगुरु के चरणों में बैठ करके भजन करने का मन करता है, और वो दयालु वो कृपालु भजन में लगाते हैं और हर प्रकार की दया दुआ बरसाते हैं। नाम दया सतगुरु बरसावे, नाम दया सतगुरु बरसावे, पावन स्वामी हमें दिखावे, पावन स्वामी हमें दिखावे। नाम की दया सतगुरु बरसाती है, और वो शीतल पावन स्वामी गंगा से पवित्र, बर्फ से ज्यादा ठंडे वो हमको मिलते हैं। प्रेमियों का बर्फ से ज्यादा ठंडा, अंदर में इतनी ठंडक है कि पूछो बात, एक बार मेरा भी ठंडा हो गया। अरे हाय राम, हमने तो प्रार्थना करना शुरू कर दिया तत्काल तुरंत, दाता दयाल दया करो, जब सर ठंडे हो जाएगा तो क्या होगा, दया करो हम मालिक, अब हमारे बस की नहीं, इसको ठंडा अंडा मत हो। तो प्रेमियों आप मानते भी हो, मिलता भी है, जब मिलता है तो बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ मिर्जापुर से हमारे श्रीवास्तव जी आए हैं, उनसे पूछ लेना कि जब दया की धार उतरती है तो बर्दाश्त नहीं होती, और जब बर्दाश्त कर ले जाओगे तो सारा काम तुम्हारा बन जाएगा। दया धार उत्तम रघुराई, दया धार
आती है, सदगुरु दया कर देते हैं, तो स्वर्ग और वैकुंठ की रील चलने लगती है। कुछ ना कुछ दिखाई पड़ने लगता है। पर गुरु के यहाँ क्या बताया जाता है कि सुई की नोक के बराबर तुमको बिंदु चमकता हुआ नजर आएगा। बड़ेरा में आते हो तो बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, क्योंकि अनामी महाप्रभु से आंख मिलाते हो, पार्टिकल कर जाते हो तो आनंद आ जाता है। और जहां जहां पर रूप उनका होता है, वो अनामी है, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात, बराबर तुमको वो प्रकाश देते रहते हैं। तो प्रकाशवान दाता हैं, प्रकाशवान दाता दया करते रहते हैं। दया कृपा दाता वर स्वामी, दया कृपा दाता वर स्वामी, नाम भजन का वेद बतावे, नाम भजन का वेद बतावे। दया कृपा दाता जी बरसाते हैं, दयालु जी बरसाते हैं, कृपालु जी बरसाते हैं। दया की बिल्कुल बरसात होती है, उसी में लोग ओतप्रोत हो जाते हैं और सदा सर्वदा के लिए सदगुरु के हो जाते हैं, अपने स्वामी के हो जाते हैं। स्वामी दाता मोहे जब दीना, स्वामी दाता मोहे जब दीना, हर प्रकार से दे दिया, जब दौलत बख्शीश कर दी, नाम दे दिया, तो पहले बड़ा गुस्सा आता, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो गुस्सा कंट्रोल हो गया। बड़ा झगड़ा लड़ाई करते थे, घर में भी बाहर भी, तरह तरह के नाना प्रकार के उछल कूद करते थे, वो सब बंद हो गया, दीन हो गए, थोड़ा शीतलता गंभीरता आ गई। जब नाम मिल गया सतगुरु से, परम दयालु है कृपालु, परम दयालु है कृपालु, मन बुद्धि हो सरदालु, मन बुद्धि हो सरदालु। परम दयालु और परम कृपालु है, प्रतिपालक है, आत्मबोध आत्म ज्ञान का दाता है, अंदर में ले चलता है और परम दयालु, और साथ मनाता है, साथ सादा संग मनाता है और सच्ची बात बताता है। सुमरण ध्यान भजन में आत्मबोध आत्म ज्ञान के बिंदु पर पहुंचाता है, यही नाम का सिंधु है, यही नाम के दाता और नाम के सिंधु हैं, और यही बिंदु है। तो बिंदु अंदर में, सिंधु भी अंदर में। अभी दोपहर में आपको बताया गया था कि चरण कमल यहाँ है और चरण कमल सतलोक धाम में भी हैं। वहाँ सतलोक धाम में चरण कमल पर गुरु चरण कमल बलिहारी ने वहाँ छू करके और नतमस्तक होते हैं, और यहाँ चरण कमल को देख करके नमन करते हैं। यहाँ चरण कमल बस छोटे अंगूठे नाखून और बढ़िया सौम्य गुलाबी रंग के चरण कमल, लेकिन हम गुलाबी रंग जितना कहते जाएंगे हमारे भाई जी उतने गुलाबी रंग को इस्तेमाल करते जाएंगे। अब चरण कमल को कह दिया तो चरण कमल गुलाबी है, तो हो सकता है कि वो चरण कमल में ही गुलाबी रंग लगवाना शुरू कर दे। और उधर ये मैंने बताया था, हमने देखा था अंदर में सज्जू जी महाराज की काया गुलाब की तरह, तो उन्होंने गुलाबी कपड़ा पहना दिया कि सब लोग गुलाबी हो जाओ तो बच जाओगे। अरे भाई,
किसी की नकल करोगे, किसी का चोला धारण करोगे तो वाला काम करोगे, वो काम करोगे। सतयुग जी महाराज आए हैं, टक्कर कलयुग जी महाराज से होगी और नहीं भी हो, दोनों बात है। कलयुग जी महाराज से टक्कर होगी और नहीं भी हो, दोनों बात है। आमने सामने समझौता हो जाए, चलो भाई आप इस काम को कर लो, हम तब तक सीताराम सीताराम करते हैं, क्या करो। समरथ शांत समय समझावे, समरथ शांत समय समझावे, आत्म बोध ज्ञान बतलावे, आत्म बोध ज्ञान बतलावे। समरथ संत सब कुछ समझाता है, आत्मबोध आत्मज्ञान की बात बताता है, अंदर में ले जाता है और दिव्य देशों को दिखलाता है और समझाता और बताता है। सब कुछ फक सफेद सौम्य सुंदर श्याम सुंदर, श्याम रंग का है ये और सुंदर भी। सतगुरु कैसा होता है? परम प्यारो निर्मल फक सफेद, बढ़िया चमचोब रेखाएं। स्वामी जी महाराज की रूप रेखाएं किस प्रकार की हैं कि उनके कई रूप हैं, ऐसे भी रूप हैं जिनको आप देख करके नजरें ऊपर नहीं उठाएंगे, एक बार देख लेंगे उनकी आंखों से आपको मिला लेंगे, दोबारा चरणों में कर लेंगे आंखें, ऊपर नहीं उठाएंगे क्योंकि मिलेगी ही नहीं, आंख मिलेगी ही नहीं तो क्या मिलाएंगे, क्या दिखाएंगे, क्या समझाएंगे, मिलेगी नहीं। और जब स्वामी की दया 24 घंटे तुम पर हो जाएगी तो उस नामी को जैसे ऊपर देखोगे नाम लेकर के, वो नामी की दया बरसने लगी, नाम की कृपा आने लगी। भले तुम्हें कुछ मिले अथवा ना मिले, तुम खाले पक्के हो जाओ, उल्टे लोटे हो जाओ। मुंह अगर लोटे का सीधा है तो पानी बरस रहा तो भरेगा, अगर पेंदी ऊपर है और मुंह नीचे है तो कितना बरसात हो पानी उसमें भरने वाला नहीं है। और आपका काम भी यही है कि मुंह लोटे के गले में जो रस्सी बांध करके पानी निकालो तब तो कुएं से पानी निकलेगा, और अगर उसकी पेंदी में पीछे रस्सी बांध करके डूबो तो पानी नहीं निकलेगा। वैसे लोग कहेंगे अरे निकलेगा दो चार, या संगत को भी संगत पंगत परम प्यारो, संगत पंगत परम प्यारो, नाम भजन सतगुरु आधारो, नाम भजन सतगुरु आधारो। संगत और उसकी पंगत, संगत आई, शाम को भोजन भंडारा बना तो उसमें पंगत लगी, संग सत्संग में पंगत बैठी, अब पंगत बैठी है, सतगुरु सुना रहे हैं, सतगुरु समझा रहे हैं, सतगुरु भोजन करा रहे हैं, सतगुरु की दया मेहर बरस रही है, लोग भोजन प्रसाद कर रहे हैं और सत्संग भी सुन रहे हैं। तो सत्संग सुन रहे हैं, जब सत्संग सुन रहे हैं तो सत्संग की दया कृपा उन पर बरस रही है और बराबर अंदर में अनावर्त मिल रहा, ज्ञान का सागर फूट रहा। ज्ञान ध्यान सब गुरु चरण, ज्ञान ध्यान सब
सतगुरु जी समझावे, सतगुरु जी समझावे। हे प्रेम मुक्ति पद, जहाँ मुक्ति मिलेगी पार ब्रह्म पर, उस पद को, उस चीज को सतगुरु ही समझाता है, कोई दूसरे की बस की बात नहीं है। और ना ही राम नाम का रास्ता, राम नाम से मिले बिना, राम से मिले बिना कैसे चले जाओगे। जैसे प्रेमी लोगों के ऊपर शनिचर देवता चढ़ जाते हैं तो कहते, अरे भाई तो काल का है, काल का है, काल को देखा नहीं, काल को काल कह रहे हैं, दयाल को भी काल बताए दे रहे हैं। अरे जहां दयाल की चर्चा होगी काल तो रह पे करेंगे, पर बिना काल के यहाँ जाए कोई रास्ता है नहीं। चलो हम काल ही मान लेते हैं, तो बिना काल के यहाँ जाने से कोई रास्ता है ही नहीं, बिना उसके यहाँ। ये बताओ प्रेमियों, जो अखंड भजन 2400 घंटे उस परम पिता परमेश्वर का करता हो तो वो काल है, वो काल है, वो तो अखंड भजन कर रहा है 2400 घंटे। समय विधान काल है, विधान, विधान बनाने वाला के ऊपर भी लगता है कि ये काल है, उसको भी कहा जाएगा। लेकिन वो जब भजन करने लगे, भजनानंदी हो जाए, तो उसको कैसे कहोगे। तो प्रेमियों सब कुछ समझने की बात है। देव रूप सूरत जब हो, जब सूरत हो जाती है तो सतगुरु का रूप सेती है, सतगुरु की चरण वंदना आरती करती है। दूसरे धाम पर सतगुरु है और पहले धाम पर दाएं बाएं सीधे में तीनों जगह गुरु बैठे हैं, तीनों जगह वो लब से आ जाते हैं, सीधा निशाना बाएं और दाएं, दाएं और दाहिने और सीधे में गुरु की पूरी दया, मतलब उसको दयाल का ही कहा जाता है। बाएं में काल का कहा जाता है कि बाएं तरफ से आवाज आए तो कान से उंगली निकाल देना, लेकिन आवाज तो दोनों कानों में आती है। टन टना टन टन, घन घना घन घन, समझना पड़ेगा। सुंदर देश परम प्यारो, सुंदर देश परम प्यारो, स्वर्ग अधिपति है उजियारो, स्वर्ग अधिपति है उजियारो। सुंदर देश है परम प्यारा, और वहां का अधिपति जो है वो भी अरमानंद सुख में आबोर रहता है, 2400 घंटे उसी में सराबोर रहता है, परम सुख में, और उसी सुख में वो भी आनंद लेता रहता है, और जो कोई पहुंचा उसे भी आनंद। प्रेमियों स्वर्ग में पहुंचे, अब जैसे आज थोड़ा बिंजो बाजा आ गया गुरु महाराज के जन्मदिन में, जब जब बिंजो बाजा आ गया थोड़ा बजा तो थोड़ा मन में कुदेद आ गया, कुदेद आ गया तो आनंद आने लगा, तो थोड़ा हाथ पैर थिरकने लगा, जब थिरकने लगा तो मन गुरु महाराज में लगने लगा, थोड़ा गुरु महाराज जल्दी आ जाओ, देखो हम नाच रहे हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे जन्मदिन पे। अरे भाई ऐसा मनाओ, अरे ऐसा मनाओ जन्मदिन गुरु का, डीजे बाजा गोले तमाशे ढोल नगाड़े बजे, तब तो गुरु जी खुश हो जल्दी आवे। अब हम तो अकेले कह रहे हैं, तुम सोच रहे हो अरे बड़ेला वाले रोज
ताल ठोकते हैं, अब गुरु जी आएंगे, अब गुरु जी आएंगे, जान पहचान उन्हीं की है और उन्हीं के पास गुरु जी आएंगे। जैसे आएंगे फट उनको हम ले आएंगे, और जैसे हम ले आएंगे यहाँ आजमगढ़ में और बनारस में, फिर जाने नहीं देंगे उनको। लेकिन जैसे बड़ेलाम आएंगे तैसे ले आएंगे। और गुरु महाराज के लिए बड़ी वाली जेब सिला रखी, उसी में गुरु महाराज बैठे रहेंगे 24 घंटे। अरे प्रेमियों, भाव का भूखा है भगवान। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जौनपुर स्वामी जी महाराज आते रहते हैं, और वहां कोई प्रेमी है जौनपुर से मिर्जापुर भदोही रोड पर, कोई प्रेमी है गरीब बिचारा टारधारी, उस टारधारी के यहाँ गुरु महाराज बराबर सा शरीर आते रहते हैं। ऐसा अंदर में हमको पता चला है, क्योंकि हमने अंदर में देखा, जब उस टारधारी के पैर छूने की हमने कोशिश की तो पीछे हट गए, वो टारधारी पीछे हट गए, और देख रहे हैं कि गुरु महाराज लेटे हुए हैं। तो बस इतनी रील मैंने देखा, और वो जौनपुर की, गांव का नाम या पता सिर्फ इतना कि वो भदोही और मिर्जापुर रोड के किनारे ही उनका गांव है। कौन सा गांव है ये नहीं पता, समय आने पर वो भी पता हो जाएगा। आखिर स्वामी जी महाराज अपने बच्चों के यहाँ नहीं जाएंगे तो किसके यहाँ जाएंगे? शैतानों के यहाँ जाएंगे? जाएंगे तो अपने बच्चों के यहाँ। और ये जो श्रीवास्तव परिवार है, वो अपनी जगह पर संतुलित रही। बनारस वाले किधर गए, आजमगढ़ वाले किधर गए, जौनपुर वाले किधर गए, तो कौन किधर गया? कम से कम सब के सब मुट्ठी बांध करके एक तरफ और उधर ही रहते तो सारी संगत उधर ही रहती। अब आप भी सोचने लगे कि कुछ कहें इनको कि ना कहें। अरे भाई, जब शंभू श्रीवास्तव जी अब तो चले गए, गुरु महाराज के रहते वो भी थे, गुरु महाराज ने शंभू श्रीवास्तव से कहा, शंभू दरवाजा खोल, और भी कुछ बातें कही। वो तो उठ नहीं पाए, पर उन्होंने उनसे बताया कि ऐसी ऐसी बात है, पर उनकी जबान नहीं हिली बेचारी। और मैं बता ही देता तो मेरी बात को मानता कौन? मुझको भी भरे चौराहे पर गोली मार देती। अगर मैं बता देता तो मुझको भी मार देते कि अकेला है, चिल्ला रहा, इसको मारो साले। और उधर उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो जब कहते तो बड़ा भारी इफेक्ट पड़ता, बड़ा भारी डिफेक्ट पड़ता कि गुरु महाराज ने इनसे कहा है पहले नामदानी दूसरे नामदानी, या गुरु महाराज के अनन्य भक्त अनन्य शिष्य। पर प्रेमियों, क्या करते हैं, कभी कभी जो सच्चा भक्त होता है उसी से धोखा हो जाता है, उसी से गड़बड़ हो जाता है। तो धर्म कर्म संदेश सुनावे, धर्म कर्म संदेश सुनावे, नाम गुरु का भेद बतावे, नाम गुरु का भेद बतावे। सद्गुरु धर्म कर्म का संदेश सुनाते, नाम गुरु का और भेद बतलाते, सब कुछ बतलाते समझाते हैं, और सारी बातों को बतलाते समझाते बताते रहते हैं, और सारे ज्ञान को समझाने के बाद बताने के बाद ही उनकी दया महिमा बरसती रहती है। दया महिमा बरसती रहती है तो दया महिमा को प्राप्त करने के लिए हमको तुमको भी चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? अंतर घाट पर। और जब गुरु आ जाएंगे तो गुरु के पास कहते, धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी,
चल सतगुर के बाद जा परा निर्मल पानी। सतगुर के घाट पर अब तो धीरे धीरे सतगुर हजम करने लगे हैं, उल्टी नहीं होता, नहीं तो सतगुर उल्टी हो जाता, जैसे कोई कैंसर इस तरह सतगुर को रखते थे और बाद में अपना खुद ही सतगुर बन रहे, परम संत सतगुरु फलाने दास फला महाराज। अरे भाई एक सतगुरु के बजाय 1000 सतगुरु हो जाए, एक सतगुरु के बजाय 1000 हो जाए, कौन सा फर्क पड़ता है? और दुनिया का काम अच्छे से होगा। पर कबीर साहब आए तो 2-3-4-5 साहब तैयार हुए, रैदास साहब आए तो कुछ ही साहब तैयार हो पाए, राधा स्वामी साहब आए तो कुछ ही लोग तैयार हो पाए, अब जय गुरुदेव स्वामी आए तो संगत तो बहुत बड़ी हो गई। पर उन्होंने नाम दान दिया, कब के लिए? भविष्य के लिए, भविष्य के लिए शाकाहारी बनाया, शाकाहारी का एक समाज बनाया और उन्होंने किसी चीज पर लिखाया पढ़ाया नहीं। ये जो करोड़ों करोड़ की संगत है ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की देन है, उनकी बनाई हुई है, उनकी मेहनत है, उनकी बगिया है, इसको तोड़ने फोड़ने का अधिकार किसी को नहीं, ये बगिया उनकी, सच्चे मन से उन्हीं की जय जयकार करो, उन्हीं की पुकार करो, गुरुद्वारे आते जाते रहो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं। अपने गुरु को जिंदा हाजिर नाजिर मान, मुर्दा मानने की कोई जरूरत नहीं, अगर मुर्दा मान लोगे तो अनुभूति नहीं होगी, दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे को जब सामने बैठा लोगे तो कैसे तुमको दिखाई पड़ेगा। देखो राम जी से मिलने अयोध्या जाते हैं तो राम जी को ही मिलते हैं, राम जी से ही सारा काम करते हैं, राम जी का ही पूरा भेद बताते हैं, राम जी की ही पूरी दया कृपा लेते हैं, राम जी में ही राममय हो जाते हैं, वो तो सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। देखो वृंदावन जाते हो राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, यहाँ जाते हो अयोध्या में सीताराम 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 सीताराम, कुछ और तो नहीं गाते। और कहीं जाओगे तो यही या तो राधे श्याम या सीताराम, राधे राधे या सीताराम, जय हम भोले जय महाकाल, जय हम भोले जय महाकाल। विष्णु भगवान का फिर भी कम, उनका तो रामायण गीता में आएगा, लेकिन जय हम भोले जय महाकाल राधे राधे सीताराम हर जगह आए, हरि का नाम। और ब्रह्मा जी का तो कहीं नहीं, पर हमारे यहां उनका नाम लिया जाता है ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्म पद दिलवाते हैं। धर्म करम संदेश न्यारा, धर्म करम संदेश न्यारा, सतगुरु निर्मल परम आधारा, सतगुरु निर्मल परम आधारा। धर्म करम का संदेश न्यारा है, सद्गुण निर्मल होता है परम प्यारा और होता है इस तरह होता है। प्रेमियों किस तरह फंसा लेते हैं त्रिकालदर्शी जीव, वो जब परम संत सदगुरु के पास जाते हैं नाम दान मिलता है, जब चढ़ाई होती है वो काल के जीव होते, चढ़ाई होती है तो ऊपर को चलते हैं,
जब ऊपर को चलते हैं तो स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी के बाद सीधे काल भगवान के ही पास जाते हैं। जब उनके पास जाते हैं उनके हाथ संतुति हो जाती है, कहते बैठो त्रिलोक में कुछ भी करो तुम्हें हमें इतना दे देना, हमें इतना दे देना, संतुति हो जाती है। वहां एक काल की चक्री लगी है, बधिर मुख काल की चक्री, काल की चक्री लगी। उस चक्री पर जब बैठ गया तो पीठ हो गया पीछे अयोध्या की तरफ, अब राम जी दिखाई पड़ेंगे नहीं, और मुंह हो गया अब इधर पृथ्वी लोक की तरफ, इस तरह अब इतना दिखाई पड़ेगा। अब जैसे बहुत ऊंचाई पे टावर लगा है तो जितना फोटो खींच सकता है उतना खींचेगा, उसी तरह त्रिकालदर्शी भी बनते हैं, जितना दिखाई पड़ेगा उतना ही समझ पाएगा। उसे गुरु जी से कोई मतलब नहीं, प्रभु जी से कोई मतलब नहीं, वो चक्री घूम रही जैसे हिडोला। राजस्थान में पहले हिडोला चलता था, उस पे देवियां झूला झूलती थी, उसको हिडोला कहते थे। अपने अंदर बिजली वाला झूला जो चलता है बड़ा वाला, उसी को हिडोला कहते हैं। उसी तरह की काल की चक्री होती है, उसी पर सीट सीट पर सब लोग बैठे हुए, ये कहाँ के मानते हैं वहाँ के मानते, कहाँ के मानते हैं वहाँ के मानते, कितने जीवों को पता ही नहीं, कुछ भी पता नहीं, जीवों को फंसा लेंगे, जीवों को ले लेंगे, और जीवों को ये पता नहीं कि हम कहाँ फंस रहे। चूंकि उन्हें राम नाम भी नहीं दिखाई पड़ेगा, स्वर्ग वैकुंठ देखने की भी उनको क्षमता नहीं दी है, उन्हें ये दिया है कि तुम्हारे सम्मोहन में फंसे रहे। वैसे जय गुरुदेव नाम चक्र सुदर्शन है, वो दोनों काम करता है। कैसे काम करता है जय गुरुदेव नाम? जब उसमें सतगुर लग जाता है तो जैसे सतगुर जय गुरुदेव लग जाता है, कहते भूत पिशाच निकट नहीं, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, तो सपने में गला दबाने लगता है, और जैसे सतगुरु जय गुरुदेव बोले वो भाग्य। तो सतगुरु सबसे बड़ी चीज है। तो ये क्या काम करता है? चक्र सुदर्शन करते, वही चक्र सुदर्शन है, उसने काम कर दिया तुम्हारा, सब कुछ ठीक हो गया। परमायनांदित देते राम जी। राम जी किस प्रकार दर्शन देते कि बढ़िया मोहन सूरत, मोहन सूरत, कभी मुंह खोल देते हैं किस भगवान के देख करे, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मुंह खोल देते तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ता, मुंह के अंदर जाता कोई नहीं, और कभी खुश हो जाते तो सब कुछ जाओ, मन मस्त मगन मन माना, सतगुरु में मन को लगाना, जाओ आनंद कर, मौज करो। तो जो गया है, जिसने देखा है वो बतलाएगा, जिसने देखा नहीं वो क्या बतलाएगा, कितने रास्ते सतलोक धाम जाने के, कितना दरवाजा सतलोक धाम में, छोटा है कि बड़ा है, खिड़की है कि बड़े बड़े मोहरादार दरवाजे लगे, किस तरह के फाटक है, किस तरह के गेट है, कहां पर क्या है क्या नहीं, जो देखा है तो बताएगा, नहीं देखा तो क्या बताएगा। धर्म कर्म संदेश प्यारो, धर्म कर्म संदेश प्यारो, ब्राह्मण लोक
देव दिवाकर बहुत सी चीजें। अंड की रचना है गुरु जी की बैठक, सबसे अच्छा इसलिए गुरु जी की भी बैठक, और वहां पर सब कुछ है। वहां एंड में चले जाओगे ब्रह्म ऋषि हो जाओगे, बड़े बड़े धनुष बाण अनुसंधान, बड़ी बड़ी मिसाइलें तैयार कर लोगे, बड़ी बड़ी चीजें हो जाएंगी, उतरने वाला चढ़ने वाला सब कुछ हो जाएगा ब्रह्म पर। और ब्रह्म की रचना बड़ी उत्तम बड़ी अच्छी। ब्रह्म का जब बाजा बजता है तो खोपड़ी दंदन दंदन होती है, गड़ 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 गड़। एक आधे बार बजा है क्या पता कि बजा कि नहीं बजा, एक आधे बार बजा है कि बजा कि नहीं बजा। एक प्रेमी आया कहा भैया अरे क्या होता है गड़ 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 धन, और उसके बाद में धन, और जैसे धन होता है बस हमारी आंखी चमाचम उंगली बाहर धन आ जाए। तो उनका फिर दोबारा का फिर दोबारा निकालते हैं, फिर उसी तरह होता धन चमाचम उंगली बाहर सब कुछ बाहर। तो उनका फिर कैसे काम चलेगा, कहा काम कैसा करो कि कोई दूसरे धाम पर हमको करवा दो और हमारे बस की नहीं है। तो उनका अभी जैसे धाम ना पका हो तो क्या करें, तो कहा कुछ भी हो चाहे नीचे उतार दो या ऊपर करवा दो। तो उनका भैया करने कराने वाले गुरु महाराज है, हम आज प्रार्थना करते हैं आप भी करो, आप भी करो, आज के बाद तुमको न कर 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 कम न गड़गड़ गड़गड़ गम कुछ नहीं हो। फिर लगाया उन्होंने, तो लगाया तो पार ब्रह्म पर चले गए, पार ब्रह्म से सीधे महाकाल पुरुष के यहाँ। जब महाकाल पुरुष के यहाँ चले गए तो तब से महाकाले पुरुष के यहाँ कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, कभी दिखता है कभी, और गड़गड़ गड़गड़ गम और दर 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 दम रोज होता था। तो आप सोचोगे कि कितनी जल्दी हम निकल जाए, अरे भाई गुरु महाराज ने कहा है और घट रामायण में लिखा है चौथे जन्म गुरु पर, चार जन्म लगता है किसी किसी का तो आठ दस लग जाता है। छोड़ता नहीं है गुरु, छोड़ता इसलिए नहीं है कि वह रेगिस्तान में जो है राजस्थान में एक ऊंट होता है, ऊंट ऊंट जब बिगड़ायल हो जाता है तो उसके लिए कांटों वाली नकेल उसके नाक में डालते हैं, नाक में डालते हैं, और जब गुरु जाने लगते हैं तो उसको लिखिसते हुए ले जाते हैं, बलबल 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 करता हुआ चला जाता। उस तरह जीवात्मा को गुरु भी ले जाते हैं, जब नहीं मानता तो, और मान जाता है तो दो में चार में, चार में तो चौथे जन्म तो है ही है। पर स्वामी जी महाराज ने अब की बार कहा कि इसी जन्म में लग करके कर दो, कर लो पार कर दूंगा, कर लो पार कर दूंगा। अब इस जन्म में अगर तुम सतगुरु जयगुरु मंदिर धाम बड़ेला में आए हो, सच्चाई से करोगे, अच्छाई से करोगे बराबर, और नवरात पर तो जरूर आओ नौ दिन की, बाकी किसी रात पर आओ मत आओ, लेकिन नवरात पर झोला डंडा घर परिवार समेत उखाड़ करके सब चले आओ, ताला बंद करके हवन पूजन और उसके बाद भोजन भंडारा, और ओ और सुबह शाम दोपहर बैठो 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 बैठो, नौ दिन के अंदर पूरा काम अपना बना लो। अभी समय तीन दिन का कार्यक्रम होता है, पहले दिन तो आप भागते भागते आती हो, शाम को सत्संग सुनते हो तब तक नींद आती रहती, गिर जाते हो कहीं 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 का कहीं, कहीं। दूसरे दिन कुछ आनंद आता है, तीसरे दिन फिर भागम भाग की देर लग जाती है। तो ऐसा आओ कि कुछ दिन सुनो और गुनो चढ़ाई करो। बहुत से प्रेमी तो अब आते हैं तुरंत आए, तुरंत कहा चटपट खाया और कहा बस चलो हो गया। तो धर्म करम संदेश गुरु का, धर्म करम संदेश गुरु का, नाम प्यारा परम सुरु का, नाम प्यारा परम सुरु का। ये सतगुरु जय गुरुदेव नाम महामंत्र है, महामंत्र है महामंत्र, कोई भी नाम मत लो,
सीधे सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव तुम्हें आराम धाम पहुंचा देगा। चिंता की कोई बात नहीं, आराम धाम पहुंचा देगा। लेकिन वो जो धनी रास्ते में बैठे हैं, वो भी इसी आश्रम के हमारे यहाँ होकर के गए तो हमारे यहाँ भी आ जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, थोड़ा जो है वो हो जाएगा। इसलिए है, नहीं तो गुरु के यहाँ ऑनलाइन दरबार है, सीधी फ्लाइट दुबई की है, चिंता मत करो, सीधी फ्लाइट दुबई की है। लेकिन करना चाहोगे तब तुम करोगे, नहीं अगर पांच धाम नहीं दिखाई पड़ा और सीधे फ्लाइट दुबई में उतर गई या नाम धाम में उतर गई, तब तो कहोगे अरे बस गए थे वहां, देखा तमाम सफेद सफेद प्रकाश प्रकाश था और चले आए प्रकाश में, कुछ पता ही नहीं चला कौन सा धाम था कौन सा नहीं था। बाबा जी उस तरह के थे नहीं, वहां लप 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 चम चम चुम 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 हो रहा था और गए और वापस आ गए। अब भगवान मैंने कहा है बहुत गड़बड़ मामला है, हमको लगता है बड़ेला में गड़बड़ है, सुई दूसरी कोई लगाती थी। तो भाई धाम अपने चलो, अगर साया है और देवी माया है तो अच्छी तरह से रहेगा। बजे झुन झुनवा सतगुरु पद पर, बजे झुन झुनवा सतगुरु पद पर, कर लो नाम भजनिया, कर लो नाम भजनिया, सतगुरु प्यारे कहते हैं कि केशव की, माधव की, कृष्ण भगवान की कितनी राधा, कितनी स्वर्ति, कितनी गोपिकाएं, कितनी रानियां। उसी तरह हम सब सुरते सतगुरु की, हम सीता हैं, राधा हैं, सुरत हैं, और हम सुरतों के मालिक वही स्वामी सतगुरु हैं, वही स्वामी सतगुरु हैं। तो स्वामी सतगुरु के पास ही हमको जाना है। इसीलिए कहते हैं मीरा के गुरधर गोपाल दूसरो ना, तो तुम्हारे तो सतगुरु जय गुरुदेव दयाल दूसरो ना। तो अभी भी क्या है, अभी भी क्या है, लगाओ मन धर्म करम संदेश प्यारो, धर्म करम संदेश प्यारो, अंतर घट होवे उजियारो, अंतर घट होवे उजियारो। धर्म करम का संदेश जब सद्गुरु आता है तो सुनाता है, अगर धर्म करम का संदेश नहीं सुनाएगा तो जीव उसके पास नहीं जाएगा। अगर वो स्वर्ग वैकुंठ से ऊपरी ब्रह्मपुरी महाकाल का देश सद्धाम परम धाम पार ब्रह्म ब्रह्म नहीं बताएगा तो वहां वो जैबे नहीं करे। पंडित जी महाराज, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, लक्ष्मीपति, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान और माता रानी का ही भेद बताएंगे, इसके अलावा कुछ भी वो नहीं बताएंगे, वो राम को भी नहीं बता पाएंगे। राम कहाँ, विष्णु भगवान को ही राम बताता था। तो बड़ा फसाना है, इस फसाने से निकलने के लिए सतगुरु के पास जाना ही होगा। धरो ध्यान मगन मन तुम्हारा,